राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको नए निर्माण कार्यों से दिव्य बंती अयोध्या के नए स्वरूप एवं अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट के संदर्भ में सबसे एक्सक्लूसिव एवं रोचक जानकारी प्रस्तुत करूँगा। सामने आप देख सकते हैं कि निर्माणाधीन प्रभु श्री राम के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित दिव्यतम सरयू घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है और अयोध्या में जितने भी घाट हैं सभी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यहां पर बेहतरीन आकृतियां एवं शेड बनाए जा रहे हैं ताकि संपूर्ण घाटों को बनारस की तर्ज पर विकसित किया जा सके। सरयू घाट के ठीक पूर्व दिशा में राम की पैड़ी का भव्यतम परिसर है और इसके बारे में कई लोक प्रथाएँ भी प्रचलित हैं और यह प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय स्थल है। और आप यहां देख सकते हैं कि सरयू घाटों के निर्माण कार्यों के लिए यहां पर तेज़ी से पिलर्स पर पत्थरों की तराशी का काम चल रहा है और यहाँ पर जो सभी पत्थर हैं वह राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन और रेड सैंडस्टोन का यहाँ पर बहुतायत इस्तेमाल किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि यह बंसी पहाड़पुर यानी राजस्थान से मंगाए गए पिंक सैंडस्टोन यानी गुलाबी बलुआ पत्थर हैं और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर शेड जो कि मंदिर आकृति में बन रहे हैं उनका यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इन पत्थरों को दिखाने का यही उद्देश्य है कि आप इनको बारीकी से देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर निर्माण कार्यों में इन सुंदर पत्थरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और इनको इस्तेमाल करने का उद्देश्य यही है कि ये पत्थर न तो बहुत अधिक कड़े होते हैं और न ही अधिक बहुत मुलायम होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मंदिरनुमा आकृति के भव्य शेड में यहाँ पर जो फूलों की आकृतियाँ पिलर्स पर बनी आपको दिख रही हैं इन सभी आकृतियों को पहले से ही राजस्थान के कारीगरों द्वारा तराश कर यहाँ पर भेजा गया है और यहाँ पर जो भी कार्यरत श्रमिक हैं उनके द्वारा इन आकृतियों को यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है और यहाँ पर जो भी ज़रूरी नक्काशी कार्य हैं इसके लिए भी श्रमिक बुलाए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर तराशी एवं नक्काशी कार्य किए जा सकें। और इसी प्रकार के कई शेड का निर्माण कार्य संपूर्ण सरयू घाट में मुख्य रूप से किया जा रहा है और यहाँ पर जो दिव्यतम आरती होती है वह अत्यंत मनमोहक होती है और इसे वाराणसी की तर्ज पर भव्य बनाने के लिए भी विशेष तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको यहाँ की आरती बड़े ही भव्य स्वरूप में दिखाई पड़ेगी और साथ ही यहाँ पर सरयू घाटों को और भी अधिक दिव्य बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर बरसात के मौसम में आपको मोटर बोट बड़े पैमाने पर यहाँ पर दिखाई पड़ेगी और पर्यटन की दृष्टि से यह समय काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होता है। मौसम विज्ञानियों द्वारा नई भविष्यवाणी के मुताबिक अयोध्या में 26 जून के बाद ही बारिश संभव है, अतः इस स्थिति में अयोध्या का वातावरण काफ़ी अधिक मनोरम होगा। यदि आप अयोध्या में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप 26 जून के बाद अवश्य आएं। इनके निर्माण कार्यों की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यहां पर गहराई तक फाउंडेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है क्योंकि नदी के बगल का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर हमेशा पानी या जल का आवागमन होता रहता है, अतः ऐसी स्थिति में पूर्णतया आरसीसी से निर्मित यहाँ पर फाउंडेशन तैयार की गई है और इसके बाद ही इस पर यह शेड का निर्माण कार्य किया गया है।
आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर मंदिर नुमा भविष्य के निर्माण कार्य के लिए यहां पर बड़े पैमाने पर शटरिंग की गई है। और शटरिंग करने के पश्चात आप यहां देख सकते हैं कि ऊपर यहां पर 2-3 संख्या में श्रमिक मौजूद हैं जो कि यहां पर फिनिशिंग कार्यों में लगे हैं और उम्मीद है कि 10 से 15 दिनों में इसके निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। और साथ ही इसका जो सबसे शीर्ष बिंदु है इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। संध्या काल में जो सरयू घाट का सौंदर्य होता है वह मन को मोहित कर लेने वाला होता है और यहाँ पर जो सूर्य की दिव्य आभा है वह इस सरयू घाट को और भी अधिक सुंदर एवं मनोरम बना देती है। और 48 डिग्री के इतने अधिक टेम्परेचर में यहाँ पर सरयू घाटों पर पानी की कमी दिख रही होगी। इसका मुख्य रूप से कारण यही है कि सरयू नदी का ठोस रूप से कोई जल का स्रोत उपलब्ध नहीं है, अतः इन्हें बरसात के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए क्योंकि 10 से 15 दिनों में भारी बारिश से संपूर्ण घाट पानी से लबालब हो जाएंगे और श्रद्धालुओं को अयोध्या के घाटों की सुंदरता देखते हुए बनेगी। और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर सीढ़ियां जो कि क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनके निर्माण कार्य भी यहां पर तेजी से किए जा रहे हैं और इसके लिए यहां पर सरियों का जाल बिछाया गया है और साथ ही यहां पर सुरक्षा मानकों का भी उचित रूप से पालन किया जा रहा है क्योंकि यहां पर बंदरों की आवक काफ़ी अधिक है, अतः यहां पर कई सुरक्षा उपकरण भी लगाए गए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि मंदिर नुमा शेड के ऊपरी शिखर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और इस पर जो आकृतियाँ बनी हैं वे काफ़ी अधिक सुंदर हैं और साथ ही इसके आंतरिक शिखर का निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है और इसके लिए 2 से 3 संख्या में श्रमिक यहां पर आंतरिक शिखर के निर्माण कार्यों में तेजी से कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि 6 से 7 दिनों में इन सभी शिखरों के निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे और साथ ही पिलर्स पर जो भी आकृतियाँ बनाई जानी हैं उनको भी पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर घाटों पर लगभग 9 से 10 की संख्या में यहाँ पर इसी प्रकार के मंदिर नुमा शेड लगाए जाएंगे जो कि यहाँ की आभा में 4 चांद लगा देंगे। और इसमें और भी बड़ी खास बात है कि जब सूर्य किरणों की आभा इन शेडों पर पड़ती है तो यह काफ़ी अधिक सुंदर एवं मनमोहक लगते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में नए निर्माण कार्यों से दिव्यबंती अयोध्या के सुंदर स्वरूप के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। सरयू घाट के राम की पैड़ी परिक्षेत्र के ठीक बाईं ओर यहां पर बड़े पैमाने पर सीढ़ियों के निर्माण कार्य एवं नए स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं और यहाँ पर भारी संख्या में पत्थरों को राजस्थान से मंगाया गया है और यहाँ पर नई सीढ़ियों के निर्माण कार्यों के साथ यहाँ पर सीढ़ियों पर बड़े पैमाने पर वायरिंग की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेजी से निर्माण कार्यों को किया जा रहा है और संपूर्ण घाटों को भव्यता प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम दिन रात में चल रहा है और उम्मीद है कि 1 महीने के आसपास इन सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। और ये सभी पत्थर पिंक सैंडस्टोन एवं रेड सैंडस्टोन ही माने गए हैं और साथ ही ये पत्थर काफ़ी अधिक स्थायी एवं मजबूत भी माने जाते हैं। अयोध्या में जहां सुंदरीकरण कार्य भी तेजी से चल रहे हैं लेकिन यहां पर 4 जून के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में खासी कमी देखी गई है और इसे प्रचंड गर्मी का असर कहें या कुछ और, राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार कम हो रही है और बीते सोमवार को महज 63,000 लोग ही राम मंदिर दर्शन करने पहुँचे और इसका असर राम मंदिर में आने वाले दान पर भी पड़ा है और रामलला को अर्पित की जा रही निधि समर्पण में 50% तक कमी आई है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां रोजाना 1.5 लाख से 2 लाख श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने आते थे
अब यह आंकड़ा घट करके 60 से 80 हजार तक पहुंच गया है और यह काफी अधिक चिंताजनक है। और चुनाव हारने के बाद अयोध्या में परिस्थितियां काफी अधिक बदल गई हैं। लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मैं और मेरा परिवार लगभग 28 वर्षों से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, यानी जब से श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला की स्थापना हुई तब से मेरा परिवार राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है और हमने हर कदम पर प्रभु श्री राम के भक्तों का साथ दिया है। लेकिन अब इसे हमारा दुर्भाग्य कहें या अयोध्या वासियों का दुर्भाग्य जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसा प्रतिफल दिया। दोस्तों, अयोध्या में नए निर्माण कार्यों से वहां की सुंदरता में होने वाली अभिवृद्धि के संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।